अभी आपको ऐसे इंसान से मिलाएंगे भाई ना, कि वो जोमैटो में भाई अब काम कर रहा है, गाड़ी उसी की खड़ी है बंदे की। उसने स्विगी जब नई नई आई थी ना, स्विगी में पूरा लखनऊ में 3 लोगों के पास मोटरसाइकिल निकली थी, मतलब जीता था उसने भाई 3 लोगों ने, जिसमें से एक ये है, हम संचित जोशी है, जो बहुत से लोग जानते होंगे, जो उस पुराने स्विगी के लखनऊ के राइडर हैं। हाँ तो भाई लोग कैसे उम्मीद करते कि सब एक नंबर दो कौड़ी के हो गए भाई, एक नहीं सीधे दो कौड़ी के। आज जो तारीख है तारीख देख के एकदम सही बताएंगे, कोई बेमानी नहीं करेंगे हम। देखो तारीख हो रही है आज 1:37 और 26 नवंबर। हमसे मिस्टेक क्या हुई, हमें लगा कि 1 बजे से शिफ्टें बुक है भाई, और सोते रहे आराम से अड़ी ला के, और एक शिफ्ट मेरी 12 से 2 बजे तक की थी, वो भी डबल स्टार की, इनकम्प्लीट जा चुकी है, क्या करें अब, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं कहाँ पर, अलीगंज में चाहत बिरयानी, उधर साइड में चाहत बिरयानी के जस्ट पीछे ही है। तो देखते हैं कितने रुपए काम होने वाला है। आपको बाइक का मीटर दिखा दे रहा हूँ, ये देखो भाई 25,443 हो रहा है। शाम तक कितनी चलने वाली, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताएंगे। बड़े हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, बस थोड़ा सा यार आलस बहुत है, सुबह उठने वाला नहीं छूटता भाई ठंड में। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या, कमेंट करके बताना भाई। हमारे तरीके वो मतलब सुबह उठने का इच्छा ही नहीं करती, क्या है बताना भाई। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे जैसे लोग ना हो जो सुबह जल्दी उठ ना पाते हों। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे, तब पूरा वीडियो एंड तक देखना। कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर भी आपके साथ में, पहला ऑर्डर आपके साथ में करते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं। 6.5 घंटे हाँ तो भाई अब आ जाए, देख लो 6:14 हो रहा है, और मेरा ऑर्डर लगा हुआ कहाँ से, द पिज़्ज़ा कैफे डे से लगा हुआ, पिज़्ज़ा कैफे डे। अभी आपको ऐसे इंसान से मिलाएंगे भाई ना, कि वो जोमैटो में भाई अब काम कर रहा है, गाड़ी उसी की खड़ी है बंदे की। उसने स्विगी जब नई नई आई थी ना, स्विगी में पूरा लखनऊ में 3 लोगों के पास मोटरसाइकिल निकली थी, मतलब जीता था उसने भाई 3 लोगों ने, जिसमें से एक ये है, हम संचित जोशी है, जो बहुत से लोग जानते होंगे, जो उस पुराने स्विगी के लखनऊ के राइडर हैं, इस बंदे को तो ज़रूर जानते होंगे। तो वही अभी मिला मेरे से, बात होने लगी, तो अभी गया है ऑर्डर लेने, मैं ऑर्डर पिकअप कर लो, क्योंकि भाई ये है ना पिज़्ज़ा कैफ़े डे वाले भाई बहुत टाइम लगाते हैं। ये देख लो इनका, ये पिज़्ज़ा कैफ़े डे, समझ रहे हो भाई, ये आ गया, यही है संचित जोशी। अबे कैमरा सही हो जा। हाँ भाई लूट लिए हो, हम तुम्हारे बारे में बता रहे थे, हमने कहा भाई है सबसे खतरनाक जीतिन था स्विगी में, मोटरसाइकिल उटसाइकिल सब बढ़िया है। और जोमेटो कैसा है इस समय, जोमेटो सही है, ठीक ठाक है, चल रहा है, स्विगी से सही है, स्विगी लाख गुना अच्छा है, तब ठीक है, बंदेजी नहीं है, पैसा भी सही है, तो इसीलिए भाई ने स्विगी की ड्रॉप है। भाई एक बार इंसेंटिव मर गया था, तब से स्विगी की छोड़ छाड़ दिया इन्होंने, कहा स्विगी की नहीं करेंगे अब, केवल जोमेटो। ठीक है भाई आराम से जाओ बंदा, लेकिन लोग कहते हैं ना कि स्विगी में या स्विगी जोमेटो में काम करो तो गाड़ी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बंदा भाई 4-5 साल हो गया है गाड़ी चलाया है जब से, और उसकी गाड़ी का साउंड भी सुन लो भाई मस्त है। और हमारा ऑर्डर हर बार की तरीके फिर से हो गया है लेट, रेस्टोरेंट लेट बाई 3 मिनट। और एक चीज़ और दिखाते हैं मैं आपको, आज दिखा दें, बहुत लोग जानते हो नहीं जानते हो तो ये दोनों चैनल जाके चेकआउट मारो। अरे ऐसे दिखाएंगे, ये देखो एक चैनल का नेम ये है लीगल बंजारा, दूसरा चैनल इधर से दिखेगा सूरज वर्मा, जाके चेक मारो भाई, हमारे लखनऊ के नंबर 1 मोटो ब्लॉगर है भाई, नंबर 1 समझ रहे हो, इनका चैनल देखो जाके सब्सक्राइब करो भाई, मज़ा आ जाएगा, कंटेंट देख के आपको निराशा नहीं मिलेगी भाई। इनसे पूछे कहाँ हैं, अरे भैया एक ऑर्डर है देख लो भाई, हैं दे दो भाई, यार बहुत देर से खड़े हैं, लेट हो गया, आप चले आपके पास, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सभी लोगों के पास नहीं होता है ये, प्रीमियम राइडर के पास रहता भाई। प्रीमियम मतलब, मतलब कुछ लोग होते हैं कि साधारण होते हैं, कुछ असाधारण वो हैं जिनको तो कंपनी नहीं, ऑर्डर वाला पे आउट सही है, 2200 रुपये वीडियो को मिलता है डेली हमको, 2200 डेली का वीडियो। हाँ बस जो काम करते जितने घंटे शिफ्ट बुक करते उतने देर, फोन तो कंपनी ने दे रखा होगा ना। हाँ कंपनी ने दिया, मतलब डेली 2200 आपका ये, तो ये मिनिमम अपने लखनऊ में मिनिमम 20,000 राइडर जो डिलीवरी बॉय काम कर उसमें से एक,
पूरे एक को मिलता है ना, मतलब 99 को नहीं मिला, 100 में से समझ लो एक को मिलता है। 20,000 में से केवल एक, उसमें से हम है ये समझ लो। हाँ इसमें रखो तो वो मंजन ब्रू सब रख दियो। ठीक है चलो भैया, ऑर्डर हो गया पिकअप, ये रहा ऑर्डर अपने पास। अरे देख रहे कोई याद करने लगा हमको पिकअप हो चुका है, चलता डिलीवर करने भाई। ठीक है जरा पानी वानी पी ले भाई, इसकी आ रही है। पानी वानी पी लिया है, बोतल हो गई खाली और कोई ना दे हमको गाली। अब हम वो चीज़ दिखाते हैं सबसे डेंजरस चीज़, जहाँ पर एक भाई का एक्सीडेंट हुआ था भाई। बहुत ही संभल के जाओ, बहुत संभल के गाड़ी घोड़ा चलाओ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कौन कहाँ से भूल के आ रहा हो। नीतीश भैया की एक कहावत हमें याद आती है कि पता नहीं कोई चाबी भूल गया हो, कोई मोबाइल भूल गया हो, कोई पर्स भूल गया, उसने क्या करा, उसने मारा कट फट से, समझ रहे हो ना। तो जब वो मारे कट तो आप गिर जाओगे फटाफट। दिखाते हैं किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था भाई का, लेकिन दिखा सकते हैं कि नहीं सकते हैं, लोकेशन नहीं दिखा सकते हैं सॉरी, लेकिन एक बता सकते हैं, इसी के जस्ट आगे वाला कट है ना, वो वाला कट, वहीं पर एक्सीडेंट हुआ था भाई। संभल के निकलना है यहाँ से। ठीक है अपन चल रहे हैं ऑर्डर डिलीवर करने, पहुँच गए हैं कस्टमर लोकेशन पे और ऑर्डर निकाल लेते हैं। अभी ऑर्डर एकदम गर्मा गर्म है, पिज्जा कैफी डे, देखते हैं कब खाते हैं कस्टमर। ठीक है भाई 2000 years later. हाँ हो गया, ठीक है शुक्रिया भाई। चलो भाई ये ऑर्डर भी हो गया है डिलीवर्ड, और 30 मिनट लग गए इस ऑर्डर में क्योंकि वो टाइम लगा रहे थे। अभी एक चीज़ दिखा दे रहे हैं आपको हम, एक सेकंड ये चीज़ चेक कर लिया करो, जैसे कि देख रहे हो यू हैव ए ब्लॉग दिखा रहा, तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक उस पर टाइप करो नोटिफिकेशन पे, फिर भी अभी भी देख लो इस पर, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑर्डर, देख लो लिखा हुआ नॉट एक्सेप्ट ऑर्डर्स करके लिखा। तो आपको सिंपली क्या करना है, बैकग्राउंड से हटाना जोमेटो को, फिर जोमेटो को खोल लेना है। ये कभी कभी हो जाता है, इससे आदमी पूरे पूरे दिन बैठा रहता है। यहाँ पे देखो टिक हो चुका है और लिख के आ गया एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स, तो ये चीज़ ध्यान दे लेना। ठीक है भाई, और अभी 6:36 हो रहा है, काम भी आपको दिखा दे रहे हैं, अर्निंग क्या हुई है, 410 रुपये की अर्निंग हुई है 5 घंटे में। तो मतलब घंटे से, एक घंटे से मतलब पीछे चल रहे हैं संडे के दिन। वो भी संडे के दिन होता क्या है कि अगर आप 5 घंटे लोगे ना तो 600 रुपये तो काम होना ही चाहिए था, पता नहीं क्यों काम हम कर नहीं पा रहे, कंपनी दे नहीं पा रही, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो देखते हैं कहाँ से ऑर्डर लगता है आप। ठीक है फटाफट से ऑर्डर डिलीवर करते सोच रहे, फटाफट से आपके साथ डिलीवर करें, फिर समझ रहे हो ना, फिर क्या कर सकते हैं अपन, ऑर्डर ही डिलीवर कर सकते हैं। आप भी ठीक करके देता हूँ, शुक्रिया। शुक्रिया भैया, थैंक यू। शुक्रिया भैया, आपका ही ऑर्डर है, खड़ा हूँ, ये लीजिए कॉल काट दीजिए। 148 हुआ आपका, चेंज नहीं है, चेंज दे दीजिए मेरे पे, चेंज नहीं है तो ऑनलाइन कर दीजिए। हाँ ऑनलाइन कर दीजिए आप इसको, ये लीजिए सही रहेगा हमारे लिए भी। ये लीजिए भैया, शुक्रिया भैया, आ जाओ आप दिखा रहे हैं। ये देखो पहले तो ऑर्डर बज रहा है 6.74 किलोमीटर का, और ये मेरे गोटू होम पे, जानकी ब्रह्म के गोटू होम पे होटल लजीज अल दरबार ने खींचा, और खड़े कहाँ पर हैं, राधेलाल प्रीमियम पे खड़े हैं। ठीक है चौक में, तो समझ सकते हो, जरा एक सेकंड लेंस साफ कर ले भाई, लेंस का कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गंदा सा लग रहा है। अबे निकाला भाई, कपड़ा भी फंस गया, एक सेकंड भाई, अभी देखो लेंस शायद कुछ साफ़ हो गया, हाँ अभी थोड़ा साफ़ लग रहा है, बाकी क्लीन करेंगे घर चल के। तो चलते फटाफट से ये वाला ऑर्डर, इसको पिकअप करना है होटल लजीज अल दरबार, और इसको डिलीवर करते हैं। पता नहीं कहाँ भेजा होगा इन्होंने, ये भी नहीं पता, सीधे वहीं चलते हैं अब। ये है भैया गोल दरवाज़ा सामने, देख लो, इसको बोलते थे गोल दरवाज़ा। ठीक है अभी पता नहीं गोल है कि नहीं है, दरवाज़ा तो दिखा नहीं आज तक कभी उनको, और क्या करें क्या ही करें। इससे पहले एक ऑर्डर का
वो रोना हमने दिखाया नहीं, हमने कहा क्या करे रोना दिखा करके। पूरा एक घंटा चबा गए हैं, 2 किलोमीटर का ऑर्डर था और यहीं KGMU में देना था, खतरे वाले केक वाले हैं क्योंकि उनके यहाँ भैया ये सब ऐसे हैं केक वेक वाले जो ताज़ा केक बनाते हैं उनसे कहते हैं भैया 10-5 मिनट तुम हमसे एक्स्ट्रा ले लो, केक फ्रीज कर लो भाई, केक अगर तुमने डीप फ्रीज नहीं करा तो फिर केक ख़त्म हो जाएगा, तुरंत ही मेल्ट होता है ताज़ा केक। तो हमने कहा भैया जहाँ तुम इतना टाइम ले रहे हो 2-4 मिनट और ले लो, उसको फ्रीजर में डाले रहो और हमारी तरफ से, क्योंकि केक ऐसा चीज़ है ना भाई कस्टमर तक पहुँचता है और इतना समझ लो कि खुशियों में केक काटता है इंसान, तो जैसे केक पर देखेगा अरे ये तो भसक गया केक तो कहेगा छोड़ो हटाओ, चलो पहले फटाफट पिकअप करें फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। आए फाइनली भैया पहुंच गए हैं होटल अजीज अल दरबार। गाड़ी खड़ी करने की जगह तो है यहाँ पे धीरे से दिखी है क्योंकि चौक वॉक में गाड़ी उड़ी खड़ी करने की जगह रहती नहीं, बस ऑर्डर देखे रेडी है कि नहीं, रेडी होने में टाइम लगेगा, मटन कोरमा वरमा है। बड़ा चांदगंज में चलो ऑर्डर देना है, जोन में ही देना अपने तो अच्छी बात है, बस कितनी देर में रेडी करते हैं ये देखना है। ठीक है मटन कोरमा 2 रुमाली है केवल, बस देखते भाई, देखने की ज़रूरत ही नहीं भैया, ऑर्डर हो गया रेडी, रेडी स्टेडी गो। अरे भाई मेरे भाई वहाँ सुनोगे बड़े भाई, ये ऑर्डर रेडी रखा है, पिकअप हो गया है, चलो भैया पिकअप हो गया लास्ट ऑर्डर अपना और यहाँ से निकले फटाफट के अंदाज में बिना किसी देरी करे चांदगंज। देख रहे हो स्कूटी कोई पीछे लगा के चला गया, अब ये निकले कहाँ से मैं भाई, थोड़ा बढ़ा लीजिएगा जरा, चलो भाई चल रहे भाई पहुँच गए फाइनली और कस्टमर को भी ऑर्डर दे दें, आए हैं कि नहीं उतर के। ये रहा भाई लास्ट ऑर्डर आज दिन का, इसको डिलीवर करते हैं। अच्छा गेट खुल जाएगा मेरे को लगा नहीं, ओके वेलकम। चलो भाई इस ऑर्डर के अपन को मिल गए हैं पैसे और बाइक का मीटर दिखा दे रहे हैं आपको 25,569 हो रहा है। ठीक है तो बाकी घर चल के बताते हैं कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है भाई। तो भाई फाइनली आ चुके हैं घर पे, एकदम खा पे एकदम फिटम फिट हो चुके हैं। आज हम गए थे सूरज भाई से मिले थे, सूरज वर्मा जो जानते हो, सूरज वर्मा और लीगल बंजारा दो चैनल ओन करते हैं और उसके साथ साथ भाई अपने लखनऊ के भाई नंबर वन इनका और एक दूसरे भाई इन्हीं के भाई हैं, इनके घर के ही हैं वो आयुष वर्मा, ये दोनों का भाई अलग ही लेवल है, मतलब मोटो ब्लॉगिंग में नंबर वन और नंबर टू कह सकते हो, नंबर टू तो मतलब ही नहीं, नंबर वन में ही दोनों काउंट कर लो तो बेहतरीन है भाई। इन लोगों से मिल के मत पता नहीं क्या हुआ, सामने थे और मैं थोड़ा सा होता नहीं कि शाय टाइप का तो वो नहीं कर पाए, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, भाई सामने एकदम बैठे हुए एकदम मिले मिले और कीरिंग लेकर के आए हैं, तो कीरिंग हमने डाल दी अपनी बाइक में, हो सकता है कल वाले व्लॉग में आपको दिखेगा, आपने देख भी लिया होगा, मैंने दिखाया था पिज्ज़ा कैफे डे पर। तो आज जो अर्निंग हुई आज लगभग 10 घंटे में जो अर्निंग हुई है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, 1100 रुपये की अर्निंग हो गई है और इंसेंटिव कुछ भी नहीं था। तो बाइक जो चली है, बाइक एक सेकंड में देख लो कितनी चली एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। तो भाई बाइक चली 126 किलोमीटर, तो पेट्रोल जो है 250 रुपये का मोटा मोटी मान लो, ज़्यादा नहीं लगा, तो खा पी कर वही 900 रुपये बच गए अपने को, 9, 10, 11 हाँ वही समझ लो 8.5-9 रुपये बच गए, ठीक बचे। और अब अपन एक स्टेबल अर्निंग और तगड़ी वाली करने वाले कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम, एकदम बेहतरीन काम जितना हो सकता है, एक जितना अपने से 100% देने वाला वो पूरी कोशिश कर लेंगे, हालांकि करते हैं बट कुछ रेस्टोरेंट वाले लेटा लेते हैं, कुछ कस्टमर लेटा लेते हैं, तो ये सब चीज़ें चला करती हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, और आप लोग के मन में क्या ख्याल चला करते हैं वो भी कॉमेंट करके बताओ। सोच रहे स्विगी निपटा दे क्या कोई दिन, आप लोग बताओ कैसा रहेगा, स्विगी में देखे क्या हालचाल है, ठीक है। अगर बताना स्विगी के लिए कुछ बनाना हो, तब तक जय हिंद जय भारत मेरे भाई, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, हर मेरी लास्ट लाइन यही रहती है, ठीक है भाई।